हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का सेक्शन। और अब तक हम ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर, ये दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। और अभी हमारा अगला टॉपिक जो है वो है ट्रांसलोकेशन। तो शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे हम फ्लो चार्ट के हिसाब से जाए तो वाटर एंड मिनरल्स था और फिर फूड था, राइट। तो वाटर एंड मिनरल्स के अंदर ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर, ये दो टॉपिक्स आ रहे थे, ओके, वो अब हम कवर कर चुके हैं। और फिर जो फूड के अंदर एक ही टॉपिक आ रहा था, दैट इज ट्रांसलोकेशन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का ये आखिरी टॉपिक है। ये जो तीन मेन टॉपिक है, दैट इज ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर, और फिर ये आखिरी टॉपिक है, दैट इज ट्रांसलोकेशन, ओके। सो अब पहले डायग्राम देख लेते हैं, ओके। अब देखो, डायग्राम बहुत ही इजी है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसे दिमाग में और कॉम्प्लेक्स नहीं करना, ओके। बहुत ही सिंपल है। ये जाइलम है, जैसे कि हमको पता है, ये ब्लू वाले ऑब्वियसली वाटर है, राइट। एंड दिस इज फूड। अभी सुक्रोज क्या है, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे जब हम एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, राइट। सो ये जाइलम है, हमको पता है जाइलम किस चीज के लिए, वाटर एंड मिनरल्स, ओके। सो ये जाइलम में वाटर फ्लो हो रहा है, राइट, कंटिन्यूस वाटर फ्लो है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर वाटर का काम चल रहा है, जैसे हमने ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर में देखा। उसके बाद फ्लोएम, ओके। अब ये इसका काम क्या है, फूड, फूड की इसमें लाया था हमने इसको, दो ये थे हमारे क्या, फ्लो चार्ट में दो सेक्शंस थे, वाटर एंड मिनरल एंड फूड। सो अब ये है फ्लोएम का काम, ये वाला देखने वाले हम, राइट। सो ये था जाइलम, जिसके अंदर ये वाटर का काम हो रहा है, एंड ये है फ्लोएम, जिसके अंदर फूड का काम चल रहा है। और ऐसा नहीं कि इसके अंदर सिर्फ फूड है, जैसे कि मैंने बोला था ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर, और पहले के टॉपिक्स में भी जो स्टार्टिंग के थे, जो प्लांट्स के ऊपर थे, राइट। तो वहां पर भी हमने बोला था कि प्लांट के हर पार्ट में वाटर लगता है, किसी में लार्ज स्केल में लगता है, किसी के माइनर स्केल में लगता है, स्मॉल स्केल में लगता है, पर प्लांट के हर पार्ट को वाटर लगता है। वैसे ही फ्लोएम में भी आपको वाटर माइनर स्केल में देखने को मिलेगा, जैसे ये ब्लू वाले दिख रहे हैं, आपको माइनर स्केल में देखने को मिलेगी। तो यहां पर पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर देख सकते हो आपकी फूड का जो कॉन्सेंट्रेशन या क्वांटिटी है वो भी सेम लग रही है यहाँ पर, और जो वाटर की है वो भी सेम लग रही है यहाँ पर। ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जब एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तब आपको पता चलेगा, राइट। अब देखो, उसके बाद आता है कंपेनियन सेल, ओके। अब कंपेनियन सेल क्या करता है, ये भी हम देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद ये है सोर्स सेल। सोर्स सेल मतलब ये जो लीफ है, इसकी बात चल रही है, ओके। सो ये लीफ है, ओके, जहां पर सफिशियंट क्वांटिटी में, यहां पर जो फूड है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है, मतलब सफिशियंट क्वांटिटी में यहां पर फूड है, ओके। उसके बाद यहां पर है ये सिंग पार्ट, सिंग पार्ट भी बोला गया है यहां पर, मतलब ये रिक्वायर्ड पार्ट है जहां पर फूड लग रहा है, ओके। सो ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया आपको। ये है जाइलम, जहां पर वाटर फ्लो हो रहा है कंटिन्यूस। उसके बाद फ्लोएम है, और यहां पर वाटर और फूड का कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि वाटर बिल्कुल भी नहीं होगा, फूड का ये हो रहा है, मतलब प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, फूड का पूरा प्रोसेस है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वाटर नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर वाटर भी है, फूड भी है, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कंपेनियन सेल्स है, इसका क्या काम है वो भी देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर है ये सोर्स सेल। सोर्स सेल क्यों बोला गया, क्योंकि यहां से हम थ्रू डायग्राम यहां से हम देखने वाले कि यहां से रिक्वायर्ड पार्ट तक ये फूड कैसे जाता है, राइट। अब ये देखो, ये जो सिंग पार्ट है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है फूड की। तो ये था हमारा पूरा डायग्राम, राइट। अब राइटअप की तरफ आते हैं, ओके। तो अभी राइटअप के थ्रू हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रांसलोकेशन क्या है, ओके, डायग्राम के थ्रू और पूरे प्रोसेस के थ्रू आपको लगेगा ट्रांसलोकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट इट इज एन इजी टॉपिक। जैसे रूट प्रेशर है, राइट, वैसे ही ट्रांसलोकेशन है, ओके। सो ट्रांसलोकेशन क्या है, दैट इज जो हमारा सोर्स सेल है, डायग्राम के साथ देखते हैं, देखो जो हमारा सोर्स सेल है जिसमें सफिशियंट फूड है, वहां से रिक्वायर्ड पार्ट में फूड को लाना। रिक्वायरमेंट किस चीज की है, यहां पर फूड की, ओके। तो फूड को यहां से, मतलब जहां पर सफिशियंट फूड है वहां से रिक्वायर्ड पार्ट में फूड को लाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ओके। सो व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट और रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके। यहां पर क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज फूड, ओके, यहां पर फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो देखो, सिंपल सी बात है, दैट इज इसका सिंपल सा डेफिनेशन, पूरा प्रोसेस ऑब्जर्व करने के बाद सिंपल सा डेफिनेशन क्या निकलता है ट्रांसलोकेशन का, कि सोर्स पार्ट से, मतलब जहां पर सफिशियंट फूड है, तो सोर्स पार्ट से
रिक्वायर्ड पार्ट में फूड को ट्रांसपोर्ट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट के। सिंपल सी बात है। तो देखो प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, यहां से प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, राइट। सो देखो ट्रांसलोकेशन का पार्ट क्लियर हो गया, ट्रांसलोकेशन क्या है, ओके ये क्लियर हो गया, उसके बाद प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, ओके। सो देखो सबसे पहले क्या है, फूड, फूड जो हम यहां पर बार बार बोल रहे हैं फूड, उसके ऊपर सुक्रोज लिखा हुआ है, ओके। सुक्रोज क्या है, अभी इसी का दूसरा नाम है, इसका तीसरा नाम क्या है, शुगर। मतलब क्या है, कोई इसको सिंपली फूड बुलाता है, कोई इसको सुक्रोज बुलाता है और कोई इसको शुगर बुलाता है। अलग अलग वीडियोस में या अलग अलग जगहों पे आप क्या देखोगे, कोई इसको फूड बुला रहा है, सिंपली फूड बुला रहा है फॉर द सिंपलिसिटी, कोई इसको सुक्रोज बुलाएगा और कोई इसको शुगर बुलाएगा। कहीं आप शुगर पढ़ोगे, कहीं आप सुक्रोज पढ़ोगे और कहीं आप सिंपली फूड पढ़ोगे। तो ये तीनों ही वैलिड है, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, राइट। फॉर सिंपलिसिटी व्हाट वी विल यूज द टर्म फूड, ओके, जिससे एक्सप्लेनेशन में भी अच्छे से इजिली हो जाता है एक्सप्लेनेशन और लर्निंग में भी इजिली हो जाता है ये काम, ठीक है। सो फॉर सिंपलिसिटी वी विल टेक फूड, ओके। सुक्रोज एंड शुगर ये आपके ऊपर है, इनमें से आपको कौन सा यूज करना है, राइट। अगर ज्यादा स्पेसिफिकेशन में जाने तो सुक्रोज एंड शुगर भी आप लिख सकते हो।